अभी छोटे हो, लेकिन जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको पता है यहाँ सिद्धि विनायक के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो इनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास विजय तिवड़े सर आए हैं। 100% कंसेशन के लिए एग्जाम प्रिपेयर किए थे, राइट? तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, तो वो सिलेक्ट स्टूडेंट्स के बारे में अब संदीप सर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, असेंबली के बाद वापस असेंबली में जमा होने में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? चलो बढ़िया है ना? मैंने सोचा दूसरी बार निकाल देते हैं बाहर, तो थोड़ा धूप खा लोगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण काइंड ऑफ। बाकी लोगों को ये आइडिया है, 10th वालों को स्पेशली आइडिया है कि हम लोग सिद्धि विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं, और आपके एक स्कूल में हम लोगों ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाई थी, है ना? उसमें हम लोगों ने आपको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी, और ये बोल के गए थे कि हम एक सेकंड फेज कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें कंपटीशन जनरेट हो जाएगा, जिसमें जो बच्चा बेस्ट होगा उसके लिए हम बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, है ना? तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर स्कूल कि आपके यहाँ से एक बच्ची है जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंकर है। और इसके लिए जो गिफ्ट है वो ये कि ये अब JEE या नीट जिसके लिए भी प्रिपरेशन करना चाहे, ये इसकी इच्छा पर पड़ता है ना, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। शहर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी बच्ची जो अपने एम को लेकर के प्रिपेयर कर रही थी, तैयारी कर रही थी, और अब सेलेक्ट हो गई है अपने एजुकेशनल जर्नी के लिए, है ना? और डिस्ट्रिक्ट में बेटा हमारे यहाँ गोंदिया से 2 बच्चे हैं, हम आज रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं इस चीज़ का। थोड़ा डिले हुआ हमको SVSET 2 का रिजल्ट अनाउंस करने में, तो उसके पीछे कारण थे हमारे पास, क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग बना रहे थे कि इसको अनाउंसमेंट कैसे किया जाए, कि क्या पहले हम मैसेज शूट कर दें सबको और बच्चों को नाम क्लियर हो जाए, पर उसमें वो एकदम से ना गूज बम्स नहीं आते। पर अब स्कूल के अंदर आकर के जब उस बच्ची को पता है कि ये होने वाला है, है ना, जहां तक अब तक खबर पहुंच गई होगी, ठीक, और अगर नहीं भी पहुंची है तो अचानक से जब पहुंचेगी अभी यहाँ माइक के थ्रू यहाँ से स्टेज से, तो उसमें जो गूज बम्स आएंगे वो अलग लेवल का होता है ना। तो हम भी उन चीज़ों का थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं कि कैसा फील करता है जब कोई इंसान सिलेक्शन का को अचीव करता है, ये वो बच्ची भी फील करेगी और आपको बताएगी बाद में कि सिलेक्शन और सक्सेसफुल जब इंसान हो जाता है तब वो कैसा फील करता है ना। मैंने एक बार शायद बताया था, अब खाना खा के आए हैं सब लोग, तो बजाते रहो ताली। ऐसा लग रहा है देख करके क्या कि ये आसमान से ढकी है? नहीं, हमारे बीच की है, अपने बीच की है ना, है ना? दूसरा, मैं साथ में 2-3 स्टूडेंट्स, हम 3 स्टूडेंट लेकर के आए हैं, इनको भी साथ में लेकर के आ जाते हैं। आजा तुम भी ऐसे। ये हमारे लास्ट ईयर के सिलेक्शंस है, 2 IIT धारवाड़ से है, और इसमें जो एक है ICSR पुणे से, है ना? 2100 एकड़ का पूरा कैंपस होता है, और आप अपने 4 साल वहीं बिताते हो एकदम आराम से, आपको लिटरली जो चाहिए वहाँ सब कुछ मिलता है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी था कि हमारी थिंकिंग ये थी कि भाई जाना तो है, तो सेकंड अटैम्प में हमने मेहनत की, मेरे 98.8% आए, मेरे फ्रेंड के 97% आए थे, और हम क्वालिफाई हो गए थे जे एडवांस के लिए। अब जे एडवांस जो होती है वो होती 360 मार्क की एग्ज़ाम ना, सुनने में कितना सिंपल लगता है, बट एग्ज़ाम थी 3 घंटे की, वो भी 2 बार एक ही दिन में, 2 पेपर देने पड़े थे हमें। हम सुबह 7 बजे गए थे एग्ज़ाम हॉल में, और सीधा शाम के 6 बजे निकले, इतने टाइम तक अपने पेरेंट्स से नहीं मिले, हमारे पास इतना प्रेशर था कि बस एनी हाउ 120-130 मार्क्स आ जाए हमें IIT जाने मिल जाएगा। तो वो प्रेशर हमने झेला, और उसके बाद हम IIT गए, और 2 साल में 3 साल में हमने जो चीज़ें नहीं की, हम 2 साल खेले नहीं, हमने मूवीज़ नहीं देखी, हम अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं निकले, रिलेटिव से मिलने नहीं गए, वो सब वर्थ इट था इस कॉलेज के लिए, क्योंकि अब कॉलेज में हमें कोई रोकने वाला नहीं है,
हम कॉलेज में रात भर जाके गेम्स खेल सकते हैं, हम कॉलेज में घूम सकते हैं, लिटरली कहीं भी घूम सकते हो आप। आपके पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो किसी और कॉलेज में नहीं होगी। अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है वहाँ पे, म्यूज़िक में जाना है, एक्रोबेटिक्स में जाना है, सारी फैसिलिटीज़ हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। तो आई होप आप अवेयर हो अभी कि ऐसे एग्ज़ाम्स होती है, और आप सब सोचो इसके बारे में कि आपको क्या बनना है और कैसे बनना है, नॉट ओनली फॉर IITs एंड NITs और फॉर एम्स बट दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। थैंक यू अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन वो विनर बच्चों को जो आज यहाँ पर प्राइजेस लिए हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। एक के बाद एक अभी अलाउंस हुआ है और ऐसे ही आगे बढ़ना है हमें सबको। यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि हम भी मोटिवेट हो, आप भी मोटिवेट हो, है ना? तो करना है ना। बाकी हम भी चाहते हैं कि गोंदिया से जितने ज़्यादा बच्चे आने वाले समय में बड़ी बड़ी जगहों पर रहे वो अच्छा है। कल को कहीं हम जाएं तो हमको पहचानने वाला तो कोई हो, है ना? अभी धारवाड़ पहुँचे हैं, पुणे पहुँचे हैं, है ना? कल को आपको मद्रास और कहाँ कहाँ पहुँचाएंगे देखते हैं हम लोग, है ना? वो मेहनत आपकी होगी पर क्रेडिट हम भी लेंगे, है ना? और वो एक कविता है ना बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो यकीन मानो वो सही है, है ना? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है सो बार फिसलती है, चढ़ती है सो बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।